हेलो स्टूडेंट, आज हम सरफेस केमिस्ट्री के हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स को लेकर के। ठीक है, चलिए बात करते हैं कोलाइड्स को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कोलाइड्स होते क्या हैं, ये कोलाइड्स वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, कोलाइड्स जो होता है उसको एक ग्रीक वर्ड कोला से लिया गया है। किसे लिया गया? कोला से, जिसका मतलब होता है ग्लू लाइक, ग्लू लाइक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो ग्लू लाइक है उनको कोला, और इस कोला ग्रीक वर्ड से हमने क्या बनाया, कोलाइड्स बनाया। सबसे पहले कोलाइड्स के बारे में बताया थॉमस ग्राहम ने। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाई थॉमस ग्राहम इन 1861 में थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। तो ऐसे पार्टिकल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते उनको उन्होंने नाम दिया कोलाइड्स, और ऐसे पार्टिकल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं उनको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलाइड्स। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि नेचर में दो टाइप के सब्सटेंस हैं, नेचर में दो टाइप के सब्सटेंस हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं उनको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स, और ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते उनको उन्होंने नाम दिया कोलाइड्स। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड लें, अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लें और सेमी परमेबल में रखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बीकर है और ये हमारा SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इधर हमने क्या लिया, NaCl का सोल्यूशन लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं NaCl का सोल्यूशन लेता हूँ बीकर में, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो NaCl के पार्टिकल हैं ये SPM को क्या कर जा रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो NaCl है वो कैसा है, क्रिस्टलाइड्स है। लेकिन वही क्या कर रहे हैं कि अगर मैं ये बीकर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं SPM ले रहा हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले रहा हूँ, और इधर मैं स्टार्च सोल्यूशन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, स्टार्च सोल्यूशन ले रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टार्च के जो पार्टिकल है ये SPM को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, SPM को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि ये हमारे क्या है, कोलाइड्स है। इसका मतलब ये हमारे क्या है, कोलाइड्स है। तो दो सब्सटेंस विच डज नॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज कोलाइड्स, एंड दो सब्सटेंस विच क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइड्स। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट देखा गया कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनका बिहेव जो होता है, जिनका नेचर जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड को लूँ, जैसे मैं अगर सोडियम क्लोराइड को लूँ, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड को मैं वाटर के अंदर लेता हूँ, ठीक है, मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और इस सोडियम क्लोराइड को हमने कहाँ लिया, वाटर में इसका सोल्यूशन बनाया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में लेकर के इसका सोल्यूशन बनाता हूँ और तब इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करता हूँ, देखते हैं कि ये क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। इसका मतलब ये क्रिस्टलाइड्स हो गया, अगर क्रॉस कर जाए इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइड्स हो गया। लेकिन वही हम देखते हैं कि अगर इसी सोडियम क्लोराइड को मैं बेंजीन के सोल्यूशन में लेता हूँ, बेंजीन के अंदर इसका सोल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, बेंजीन के अंदर इसका सोल्यूशन बनाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये क्रॉस नहीं कर पाते, इसका मतलब ये क्या हो गए, कोलाइड्स हो गए। तो अब ये क्वेश्चन ये उठा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि मैं सोडियम क्लोराइड को क्या बोलूँ, किस टाइप का सब्सटेंस बोलूँ, इसको कोलाइड्स बोलूँ या क्रिस्टलाइड्स बोलूँ। तो लेटर आर बाद में जो है, जो थॉमस ग्राहम का दिया गया डिफिनीशन था उसको क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद से न्यू डिफिनीशन आया, जो इस पर आया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो पार्टिकल के साइज के बेसिस पर दिया गया क्या था, तो अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो ये कहा कि देखो हम तीन टाइप के सब्सटेंस जानते हैं। जैसे देखिए हम ये समझते हैं, जैसे देखो हम अब तक जो है जो भी स्टडी किए हैं, हम ये स्टडी के लिए कि एक ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा हम जानते हैं सस्पेंशन, हम एक ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, दो तरह के सॉल्यूशन के बारे में अब तक हम लोगों ने पीछे के क्लासेस में हम लोग स्टडी किए हुए हैं।
ठीक है। टू सोल्यूशन क्या होते हैं कि टू सोल्यूशन जो होते हैं इनके पार्ट के बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल पार्ट के होते हैं, ठीक है, ये नीचे बॉटम पर सटल डाउन नहीं होते, ठीक है। आपको मैंने सोल्यूशन के बारे में सेकेंड चैप्टर क्लास ट्वेल्थ के सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन में भी आपको बताया हूँ कि सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, इफ दे आर टू कंपोनेंट दे आर कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज जो होती है ये काफी क्या होती है, बड़ी होती है, ये बॉटम पर क्या हो जाते हैं, शटर डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ये देखा गया कि टू जो सोल्यूशन है इनके जो पार्टिकल की जो साइज होती है, ये कहा गया कि इनकी जो पार्टिकल की जो साइज होती है ये लेस देन वन नैनोमीटर होती है, इनके जो पार्टिकल की जो साइज होती है लेस देन वन नैनोमीटर होती है, जबकि जो सस्पेंशन होते हैं इनके पार्टिकल की जो साइज होती है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। तो ये कहा गया कि एक ऐसा भी स्टेज होता है जहां पर सब्सटेंस के पार्टिकल की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है, ठीक है। और इस स्टेट को क्या कहा गया, इसको कहा गया कोलाइड्स, ठीक है। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, तो कोलाइड्स को बोला गया कि कोलाइड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पार्टिकल की जो साइज होती है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होती है। तो इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया कोलाइड्स, ठीक है। चलिए इसको और हम समझते हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है दे आर होमोजीनियस इन नेचर और हमारा सस्पेंशन होता है वो हमारा क्या होता है दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर और हमारा जो कोलाइड्स होता है उसका भी नेचर कैसा होता है दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये भी नेचर में कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। और सेकेंड पार्ट कि हम जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं कि जो हमारा ट्रू सोल्यूशन है अगर ये ट्रू सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन मीन टू कंपोनेंट सोल्यूशन है, इट इज कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है, सॉल्यूट है प्लस क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कोलाइड्स की बात करूं तो यहां पर कोलाइड्स के केस में क्या होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, उसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं डीपी। ये बार बार यूज करेंगे डीपी का, आगे के क्लासेस में हम बार बार डीपी यूज करेंगे, डीपी का मतलब डिस्पर्स फेज। और जो सॉल्वेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन में वही हम कोलाइड्स में हम क्या यूज करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं डीएम। तो डिस्पर्स फेज क्या हमारा वही सॉल्यूट, जो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। जिस तरह से सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है, उसी तरह से क्या होता है कोलाइड्स के अंदर डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डिस्पर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्युबल वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कोलाइड्स का अपना एक न्यू डिफिनेशन बना सकते हैं। हम कह सकते हैं जैसे आप ट्रू सोल्यूशन में क्या बोलते थे, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे ही हम लोग कोलाइड्स को बोल सकते हैं कि कोलाइड्स इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, वेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको जोड़ना है, वेयर द साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल वेरी फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जहां पर डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज जो होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में क्या करती है वेरी करती है, तो ये आप कहोगे कोलाइड्स, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ से सबको डिफाइन कर सकते हो, आपको पता है सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब कोलाइड्स का इतना इंपॉर्टेंस है कि आप देखो, आप जो डेल्टा के बारे में बोलते हो,
डेटा भी क्या है आपका कोलाइड से, आप जो आइसक्रीम लेते हो वो भी आपका क्या है कोलाइड से, ये भी है आपके जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी क्या है कोलाइड से, आप जो कफ सिरप सब देखते हो वो भी सब क्या है कोलाइड से, इंजेक्शन देते हो वो भी क्या है कोलाइड से, आप रात के समय जो हेडलाइट ऑन करके चलते हो जिससे आपकी आंखें दिखाई देती है उसका भी रीजन क्या है कोलाइड से, स्केटरिंग कोलाइड्स है, कोलाइड्स के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलाइड्स का इंपॉर्टेंस जो है बहुत सारे दिखेंगे जो हम लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोलाइड्स के बारे में, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद से हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। प्रॉपर्टी वाइज हम देखेंगे कि टू सॉल्यूशन कोलाइड्स और सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ नेचर के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, टिंडर इफेक्ट के बारे में, ब्राउनियन मोशन के बारे में, फिल्ट्रेशन को लेकर के, प्रॉपर्टीज को लेकर के हम इसको वन बाय वन करके इनकी क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ओके स्टूडेंट इसको राइट डाउन।